इधर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि यहां अमित शाह आए या प्रधानमंत्री, झारखंड में कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अमित शाह हो, माननीय और कोई भी आते होंगे तो इससे झारखंड का परिवर्तन नहीं हो सकता है। हम बड़ी गंभीरता के साथ और विश्वास के साथ हम कहते हैं कि झारखंड के जनता जो है, विशेष करके झारखंड में, झारखंड बनने के बाद से लगातार कम से कम 15 साल जो है भारतीय जनता पार्टी का आपका राज रहा, लेकिन इन्होंने यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया है, सिर्फ वादा किया है। जो हमेशा कोशिश रहती है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ रहते हुए कि वो राज्य के जो आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं पे बात करने के बजाय, चाहे झारखंड हो या झारखंड से बाहर, लोगों के जो डिफरेंसेज हैं, लोगों के जो धार्मिक संस्कार हैं, लोगों के जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उस डिवीजन को हल देते हैं। इसलिए आप देखें वहाँ खतियान के विरोध में जो झारखंड की है वो चाईबासा में बोल रहे हैं, वो संथाल परगना जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बोलेंगे, तो यही उनकी प्राथमिकता रही है। नहीं देखिए, इस बार हमें लगता है जो बीजेपी की सीट काफ़ी घटेगी झारखंड में, और ख़ास करके आप लोग देख रहे होंगे जो कुछ दिन पहले जिस तरीके का राजनीति बीजेपी चाह रही थी सरकार को अस्थिर करना या उल्टाना, उनकी ही चाल में वो खुद ही फंस गया और आज के दिन वो कर नहीं पा रहे। हमें नहीं लगता इस बार कोई असर होगा, और बीजेपी हमें लगता है जो 6 से 7 सीटों पर इस बार से बढ़ जाएगा। क्या अभी अमित शाह जी को सफलता नहीं मिलने वाला? नहीं मिलेगा, क्योंकि झारखंड को उन्होंने अपेक्षित किया है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आकर के घोषणा करके गए, बहुत से इंडस्ट्रीज लगाने की बात किया उन्होंने लोकसभा चुनाव में, मंडल डैम बनाने की उन्होंने बात कही, बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने घोषणा किया। वहाँ की जनता ने उनकी बातों में आ करके अधिक से अधिक सांसद देने का काम किया, 12-12 सांसद देने का काम किया, लेकिन झारखंड को तो कुछ नहीं दिया उन्होंने, कोई ट्रेन अच्छी नहीं दी। तो झारखंड को तो हमेशा उपेक्षित करते रहे हैं, झारखंड की जनता ने जो उन पर विश्वास किया उसके भरोसे तो खरा नहीं उतरे, तो हमको नहीं लगता है कि उनको मिशन 2024 सफलता मिलने वाला है।